एक नम्हर प्रतीक्षाक बाद अंततः दरभंगा एयरपोर्टक स्थायी सिविल टर्मिनल लेल टेंडरक प्रक्रिया पूर्ण कौन गया जी हाँ एक खुशखबरी कह जे दरभंगा एयरपोर्टक स्थायी टर्मिनल निर्माणक बाद जे कतेको दिन सब बस चर्चा में चल तक आब प्रक्रिया पूर्ण महत्वपूर्ण गप इो जे आधारभूत संरचन के लिए क्य कर वाला देशक प्रसिद्ध अहलुबालिया कॉन्ट्रैक्ट्स के दरभंगा एयरपोर्ट लेल नव सिविल टर्मिनल निर्माणक ठेका भेटल जन कि हमारे जन मिथल के एकलौता एयरपोर्टक नव स्थायी टर्मिनल के लोकल लेआउट पहिने से तैयार भ चुक छै से आ मात्र सब के कुल पाँच सौ बहत्तर करोड़क परियोजना पर काज शुरू होव प्रतीक्षा छै जनतब इो कि सरकार द्वारा अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स के परियोजना पूरा करवा दू वर्षक समय निर्धारित कैल गया है जर एकम्र अर्थ ही जर्ख दो हज़ार सत्ताईस से पैने अ टर्मिनल के निर्माण पूरा क लेक एम्हर कुल छियासठ हज़ार छः सौ वर्ग मीटर क्षेत्र में बना जा रहा अव स्थायी सिविल टर्मिनल के टेंडर फाइनल बाद अब एक शिलान्यास के लाभ चर्चा के बाज़ार गर्म भगल कहल जा रहा है कि लोकसभा चुनावक घोषणा से पाने नव टर्मिनल के शिलान्यास भात मानल तो धर जा रहा है अगला मास पहल सप्ताह में एक शिलान्यास कैल जाए आधिकारिक सूत्र आ विभिन्न मीडिया रिपोर्ट सबक मानी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अ टर्मिनल सहित किछ आन आन महत्वपूर्ण योजना सबक शिलान्यास करवा अगला मास बिहार आबि सक हालांकि अखनधर आधिकारिक रूप से पीएम मोदी कार्यक्रमक कोनो सूचना नहीं है अठाम अपनेलोनिक जनतब दी जे दरभंगा एयरपोर्टक मुख्य टर्मिनल दू फेज में बनाल जा टर्मिनल के पूरा क्षमता सालाना बयालीस दशमलव पाँच लाख यात्री है हालांकि अ क्षमता के ला मारित सवाल से उठा जा रहा है मुदा एखन ई कहल जा व्यस्ततम अवधि में अठाम से एक संग दू हज़ार से पाँच हजार, हजार यात्री आवाजाही भ सकती है दरभंगा एयरपोर्टक लेआउट प्लानक अनुसार अ एयरपोर्टक स्थायी सिविल टर्मिनल चौवन एकड़ में बनत जे एयरपोर्टक दक्षिण में रहत आ नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर माने एन एच संतावन से जुड़ल रह जनतब राज्य सरकार दिशा दिल गेल चौबीस एकड़ अतिरिक्त जमीन पर रनवे के विस्तार आ रात में टेकऑफ आ लैंड करेवाक सुविधा लेल आई सिस्टम लगाओल जाए